हेलो एवरीवन, देखिए अब यूनिट 6 का ई पार्ट स्टार्ट करेंगे हम, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये आपके पास वेव ऑप्टिक्स में आता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होते हैं, तो लिखा क्या हुआ है देखो, वेव फ्रंट इज ग्रुप ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ वेव विच हैव सेम फेज। मतलब क्या हुआ इसका कि जो वेव के जो सेम फेज हैं वो सभी पॉइंट्स को मिलकर क्या बनता है, वेव फ्रंट बनता है। क्लियर है ये बात, देखो बहुत ज़्यादा क्लियर अब यहाँ पर हो जाएगी टाइप ऑफ वेव फ्रंट में जब हम स्फेरिकल वेव फ्रंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो टाइप ऑफ वेव फ्रंट क्या, कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप्स के हैं। एक है स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्या है इसमें, व्हेन अ सोर्स ऑफ लाइट इज अ पॉइंट सोर्स। देखो जब सोर्स ऑफ लाइट क्या हो जाए, पॉइंट सोर्स बन जाए, मतलब इस तरीके से ये है, यहाँ पर मान लो ये पॉइंट सोर्स है, क्लियर। देन द वेव फ्रंट इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट, और जब यहाँ पर वेव फ्रंट बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट विद सेंटर एज अ सोर्स। देखो जरा किस तरीके से काम करता है ये, देखो लाइट है, ठीक है, यहाँ से वेव्स जा रही होंगी, ठीक है, हर डायरेक्शन में क्या होंगी, वेव्स प्रोपेगेट करेंगी, ठीक है। तो ये देखो जरा इस तरीके से, जैसे मान लो ये वाली एक वेव बन गई हमारे पास, समझ रहे हो, ये तो पता ही आपको, ये वाला इसका क्रस्ट होता है और ये वाला इसका ट्रफ होता है, निचले वाला पार्ट, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर बनाएंगे हम इस तरीके से क्रस्ट ट्रफ, क्लियर है इतनी बात, ठीक है, समझते हो ना ये सब चीज़ें। सिमिलरली यहाँ भी आप इसी तरीके से करोगे, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से भी इसी तरीके से होगा आपके पास। देखो ये क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, इस तरीके से आप बना लेना ये, ठीक है। अब देखो जरा इसमें हम क्या कह रहे थे कि जो आपके पास फेज सेम है, फेज सेम का मतलब क्या, जैसे ये अपर पार्ट है जो वेव्स का, ठीक है, ये वाला भी अपर है, ये वाला अपर है, ये वाला अपर है, ये वाला भी यहाँ पर अपर है, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो इनके पॉइंट्स को ज्वाइन करो, जरा देखो जरा ये वाला और ये वाला और इसका भी आपके पास अपर पार्ट, मतलब क्या हो गया, सेम फेज वाले पॉइंट। अगर अब आप पढ़ो वेव फ्रंट की डेफिनेशन तो देखो क्या लिखी हुई है, वेव फ्रंट इज ग्रुप ऑफ ऑल द पॉइंट ऑफ वेव विच हैव सेम फेज, मतलब सारे पॉइंट्स वेव के, ठीक है ना, जो कि सेम फेज में है उनको हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। अब देख लो इस वेव का ये वाला फेज, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब क्या, ये सारे अपर पार्ट वाले हैं, ठीक है, तो सारे पॉइंट्स इनके, तो ये क्या हो गया आपके पास, वेव फ्रंट बन गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ आपको ये बात कि वेव फ्रंट इज ग्रुप ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ वेव विच हैव सेम फेज, तो सेम फेज वाले पॉइंट्स का ग्रुप क्या बनाता है, वेव फ्रंट बनाता है। इसी तरीके से अब जो ये वाला है आपके पास, जो ये डाउनवर्ड वाला जो ट्रफ वाला है, ठीक है, इसका अलग फेज होगा, और इधर वाले का भी इसका नीचे वाला लेंगे हम, और यहाँ से भी हम ये इसका नीचे वाला, ठीक है। तो देखो इस तरीके से बन जाएगा ये चीज़, देखो समझो इस बात को, ये भी इसका निचले वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ से अगर देखें हम इसको, ठीक है, और इस साइड से अगर हम देखेंगे तो ये वाला ऊपर दिख रहा होगा आपको और ये वाला नीचे दिखेगा इस साइड से, ठीक है ना। तो ये वाला निचले वाला पार्ट है, हमने ये वाला ले लिया, कंसिडर किया, और सिमिलरली ये वाला इसका नीचे वाला, इसका नीचे वाला, और ये वाला नीचे वाला, इस तरीके से। तो ये देख रहे हो आप क्या बन रहे हैं आपके पास, ये वेव फ्रंट बन रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सेम फेज वाले पॉइंट्स के ग्रुप को मिलके क्या बनाता है, वेव फ्रंट बनाता है, ठीक है ना। तो सेम फेज वाले हैं ये, देख लो ये डाउनवर्ड वाले हैं सारे, ठीक है, इसी तरीके से अपर पार्ट वाले ले लेंगे, सबका अपर पार्ट आ जाएगा, समझ रहे हो ये बात, ठीक है। तो इसका भी अपर पार्ट ले लिया हमने, और इधर से इसका भी अपर पार्ट ले लिया, और यहाँ से भी इसका अपर पार्ट, और यहाँ से भी इसका अपर पार्ट, और ये मिलके इसने क्या बना दिया आपके पास, वेव फ्रंट बना दिया। क्या समझ पा रहे हो बात, ठीक है, अब डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी आपको। अब देखो इस चीज़ को समझो, ये हमने पॉइंट सोर्स लिया, ठीक है, पॉइंट सोर्स में वेव्स इस तरीके से जा रही हैं, ठीक है, इधर भी होंगी इसी तरीके से, ठीक है, सभी डायरेक्शंस में जाएगी वेव्स, क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। यहाँ तो मैंने चार ही बनाई है, वैसे ये बहुत सारी होंगी, क्लियर है। तो सभी में हम क्या करेंगे, सेम फेज वाले लेकर वेव फ्रंट बना देंगे, क्लियर है। तो ये चीज़ समझ में आई, ये चार का भी आप दिखा दोगे तो ओके है, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो, ये वेव्स किस तरीके से जा रही हैं, या ये वेव फ्रंट को आप समझो कि ये कैसे बन रहा है और इसको आप कैसे समझ सकते हो। देखो जैसे एक तालाब है, वहाँ पर पानी ठहरा हुआ है, ठीक है, उसमें आप एक स्टोन को फेंक दो तो क्या हो जाएगी, वहाँ डिस्टर्बेंस हो जाएगी, डिस्टर्बेंस होती है तो वेव्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। अब आप वहाँ देखना जरा, आपको सर्कल्स की फॉर्म में दिखाई देता है वो वाटर, ठीक है ना, इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जाता हुआ दिखाई देता है इस तरफ, ठीक है ना, यहाँ डिस्टर्बेंस किया आपने बीच में और यहाँ से वेव्स जनरेट हुई और आपको ना वाटर इस सर्कल्स की फॉर्म में आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देता है, तो ये वेव फ्रंट्स आपको दिखाई देते हैं वाटर में। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, क्लियर हो रही है चीज़, ठीक है। तो वही चीज़ आप यहाँ सोच सकते हो, लाइट के लिए भी होता है। और अगर आपने ध्यान दिया हो कई बार, जैसे कोई बल्ब लगा हुआ है वॉल पे, तो वॉल पे जहाँ बल्ब लगा हुआ है उसके अराउंड देखना आप, वॉल पर उस बल्ब के अराउंड क्या होंगे, सर्कल से दिखाई देते हैं कई बार,
ठीक है, अगर नहीं ऐसा कुछ देखा है आपने तो आप वाटर का एग्जांपल समझ लो, वाटर में भी इस तरीके के वेव फ्रंट बनते हैं, ठीक है बात, क्योंकि वहाँ भी क्या होती हैं वेव्स ही बनती हैं और वो हमें ऊपर से क्या दिखाई देते हैं, वो सिर्फ सर्कल्स मूव होते हुए दिखाई देते हैं आगे की तरफ। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता, समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो वहाँ पर भी वो क्या होते हैं, वाटर में वेव फ्रंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, ये तो हमने इस तरीके से बना दिया, अब इसको प्रॉपर बनाते हैं, देखो किस तरीके से बनेंगे। ये वेव्स बनाने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पर बनाता हूँ मैं अभी, ये पॉइंट सोर्स हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि स्फेरिकल जो वेव फ्रंट्स हैं वो किस फॉर्म में हमें दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से सर्कल की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ जरा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से बना देंगे, यहाँ पर देखो ये एक वेव फ्रंट ये बन गया, फिर ये दूसरा वेव फ्रंट बना दिया हमने, ऐसे ही थर्ड वेव फ्रंट बना देंगे, ठीक है। ऐसे सौन वेव फ्रंट बनते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर ये जो मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, ये है क्या हमारे पास, यहाँ पर वेव्स हैं, मतलब आप समझ लो वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, और इसको हम बोलते क्या है, रे, और ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी इन वेव फ्रंट्स के, क्लियर है, देख लो परपेंडिकुलर ही है ना वेव फ्रंट के साथ, 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। इस तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं ये, ठीक है, आ रहा होगा समझ में, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो वेव फ्रंट समझ में आए कैसे, क्या होते क्या है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ ये क्या है हमारे पास, वेव फ्रंट है, क्लियर है। नोट में हमने ये बात लिखी भी हुई है कि अलाइन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, वेव फ्रंट्स जो ये बने हुए हैं इनके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, रे, क्लियर है, ठीक है। अब देखो जरा, ये तो समझ में आ गया आपको कि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट किस उससे बनेंगे, जब सोर्स हमारे पास क्या होगा, पॉइंट सोर्स होगा, एक पॉइंट सोर्स, मतलब जैसे आप इसको कैसे समझ सकते हो, ठीक है, जैसे एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब से आ रही है रोशनी, ठीक है, तो वो पॉइंट सोर्स मान लिया हमने इस तरीके से, ठीक है। जैसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, सेकंड टाइप क्या है हमारे पास, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, तो इसका सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा, लीनियर होगा, लीनियर मतलब क्या, एक लाइन होगा, ठीक है ना, एक लाइन में, मतलब इस तरीके से आप मान लो, जैसे ये मैंने बनाया यहाँ पर, ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पर भी इसका पॉइंट सोर्स आप समझ सकते हो, यहाँ पर भी हर पॉइंट पे क्या है, इसका एक तरह से पॉइंट सोर्स एक्ट करेगा, लेकिन इस पूरे पे क्या है, लाइट है, ठीक है। इसका ये एग्जांपल हम कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, स्लिट, स्लिट की तरह होता है ये, ठीक है। देन द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर, लीनियर होगी, दैट इज अ स्लिट, यानी कि एग्जांपल इसका स्लिट हो गया, देन सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज फॉर्म। देखो कैसे बनते हैं, देखो जैसे ये हमारे पास क्या है, इसका पॉइंट सोर्स है, ये भी इसका पॉइंट सोर्स है, ठीक है। तो देखो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जब बनेंगे, वो बनते हैं आपके पास इस तरीके से, देखो जैसे यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए ये बना दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। अब ये मैं बताता हूँ कि ये बनते कैसे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर सोन इस तरीके से चल जाएगा, एक और सिलेंडर बन जाएगा, समझ पा रहे होंगे आप बात को या नहीं, बताओ जरा, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से भी ये इस तरीके से हमने सिलेंडर बना दिया, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखना जरा इसको, समझो कि बना कैसे है। देखो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये लाइन है एक, ठीक है, इसको एक पॉइंट सोर्स मान लो आप, ठीक है। अगर ये एक पॉइंट सोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कैसे बनेंगे, बताओ जरा आप, वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, स्फेरिकल बनेंगे, यानी कि सर्कल की फॉर्म में बनेंगे, स्फेरिकल के लिए सर्कल की तरह दिखते हैं हमें ये वेव फ्रंट, इस तरीके से बनेगा यहाँ पर, ठीक है, और इस तरीके से बन जाएगा यहाँ, समझ पा रहे हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ नीचे भी यही होगा, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ बन जाएगा इस तरीके से, और ये, ठीक है, सोन बनते चल जाएंगे, ठीक है। अब देखो जरा इससे नीचे वाले जो पॉइंट होंगे, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ पर भी इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है, या नहीं बनेंगे, बताओ, इसी तरीके से बनेंगे। तो ये देखो जरा, जब इस तरीके से ये बनते रहेंगे हर पॉइंट पे इस तरीके से बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर बनते रहेंगे, तो ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जब ये सर्कल आएंगे तो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म की शेप नहीं ले लेंगे, जैसे जैसे यहाँ पर, जैसे एक मान के चलो आप, जैसे आपके पास एक बैंगल है, ठीक है, बैंगल के ऊपर बैंगल, बैंगल के ऊपर बैंगल, बैंगल के ऊपर बैंगल आप रखते चले जाओ, तो एक सिलेंडर नहीं बन जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे आपने देखा होगा जो ब्राइड होती है, जिसको आप दुल्हन बोलते हो, ठीक है, उसका आपने देखा जो चूड़ा होता है, ठीक है, वो देखना जरा, अगर एक बैंगल रखो आप, उसके ऊपर सेवरल बैंगल्स रखते चल जाओ, ठीक है, तो एक सिलेंड्रिकल शेप नहीं ले लेता। तो वही चीज़ हो रहा है यहाँ पर भी, एक सर्कल बनता जा रहा है, क्योंकि हर लाइन पे क्या है, इसका पॉइंट सोर्स है, ठीक है, तो ये सर्कल बनते जाएंगे, एक सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा, वो यहाँ पर हमने नहीं बनाया है हर सर्कल, तो इस तरीके से वो सिलेंड्रिकल शेप ले लेता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, जैसे ये बाहर वाले थे तो ये इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप बन जाती है इनकी, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ से अगर हम समझे इस चीज़ को, ठीक है, तो यहाँ से देखो इस तरीके से हम इनकी रेज बना सकते हैं कि इधर ये प्रोपेगेशन हो रही होगी वेव की, ठीक, इस तरीके से यहाँ पर, यहाँ पर,
यहाँ पर हो जाएगी, ये इधर हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से बनेगी। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा इसी तरीके से, इधर इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। देखो वैसे ही बनाया जैसे स्फेरिकल में बना रहे थे हम, ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल जुड़ जुड़ के ही क्या हो रहा है यहाँ पर, ये एक सिलेंडर बन रहा है, समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर बीच वालों को देखें हम, बीच वालों को हम इस तरीके से बना सकते हैं यहाँ पर, जैसे इसका 3D में ये चीज़ इस तरीके से दिखाई देगी हमें, ठीक है, क्लियर। एक ऐसे पीछे जा रहा होगा, एक ऐसे आगे की तरफ, सिलेंडर में आप समझ सकते हो, ठीक है। तो दिखाने के लिए हम ये दो ही दिखा सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ दिखा दो, और इस तरीके से ऐसे ऐसे। ये क्या है, इसकी रेज है, मतलब ये क्या है, हर इधर भी क्या होंगी, वेव्स ट्रैवल कर रही होंगी, तो उसके लिए हमने इस तरीके से यहाँ पर रेज बना दी है। क्या समझ में आया सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना कैसे है? बस आपने कुछ नहीं सोचना ज़्यादा, ठीक है, आपने ये सोचना है ये एक लाइन सोर्स है जो हमारे पास, तो इसके हर पॉइंट को आप पॉइंट सोर्स कंसीडर कर सकते हो, तो वहाँ पर भी इस तरीके के सर्कल ही बनेंगे, और वो सर्कल ही ने मिलकर क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए सोर्स क्या होता है हमारे पास, लाइन सोर्स होता है जिसको हम लीनियर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, और सिलेंड्रिकल वेव फॉर्म हमारे फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा थर्ड आता है टाइप, वो कौन सा है हमारे पास, प्लेन वेव फ्रंट्स। प्लेन वेव फ्रंट्स कैसे बनते हैं, देखो स्फेरिकल समझ में आ गया आपको, पॉइंट सोर्स होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में हमारे पास लाइन सोर्स होता है, और प्लेन वेव फ्रंट जो होते हैं, देखो प्लेन वेव फ्रंट कैसे दिखाई देते हैं आपको, समझो इस बात को ज़रा, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, सोर्स ऑफ जो लाइट है वो क्या है, बहुत दूर है, सच अ वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। देखो होता क्या है, देखो आपको पता है जैसे ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें क्या होंगे, आपके पास वेव फ्रंट इस तरीके से बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से और बनते चल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर हाफ हाफ सर्कल बनाता हूँ इसके, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से, ये पूरे पूरे सर्कल बन जाएंगे इधर, ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से बनते रहेंगे इनमें सर्कल, और सर्कल क्या हो रहे हैं, ये बड़े होते जा रहे हैं, जितना जितना दूर हम जा रहे हैं पॉइंट सोर्स से, ये सर्कल क्या हो रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, तो बड़े होते 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 ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसा दिखाई देने लगता है। अब ये भी है तो सर्कल ही, ये घूम रहा होगा कहीं आगे से जाके इस तरीके से, ये भी ऊपर से ऐसे घूम रहा होगा, लेकिन दूर से देखने पे ये कैसा दिख रहा है हमें, एक प्लेन वेव फ्रंट दिख रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हो। प्लेन क्यों दिखता है दूर से, क्योंकि ये सर्कल जो होता है ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और बड़ा सर्कल है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये है आपके पास, ठीक है, ये सर्कल का ये इतना पार्ट आपको ये कैसा दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है ना, ठीक है, बड़ा सर्कल है तो ये बड़ा और ज़्यादा वो ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो बात को। जैसे यहाँ से ये वाली चीज़ देखो, इसकी ये ऐसे स्ट्रेट सी लगने शुरू हो जाती है हमें, जितना सर्कल बड़ा होता चल जाएगा उसका पार्ट कुछ क्या लगेगा हमें, स्ट्रेट सा लगने लग जाता है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट इसी वजह से दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कल बन रहा होगा वो बहुत बड़े बन रहे होंगे, क्योंकि पॉइंट सोर्स यहाँ है, ठीक है, इस वजह से ये दूर से देखने पे ये लाइन कैसी दिखती है हमें, स्ट्रेट दिखती है ये सर्कल की ही, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, प्लेन वेव फ्रंट। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ में आई है बात, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। इसी में ही प्लेन वेव फ्रंट में ही हमारे पास देखो एक कन्वर्जिंग वेव फ्रंट होते हैं और एक डाइवर्जिंग वेव फ्रंट होते हैं। देखो कैसे कन्वर्जिंग वेव फ्रंट कैसे बन जाते हैं, अगर प्लेन वेव फ्रंट है कन्वर्जिंग कैसे बनेंगे और डाइवर्जिंग कैसे बनेंगे, देखो जरा आपको पता है कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है बताना जरा, कन्वेक्स लेंस होता है, तो कन्वेक्स लेंस बनाओ यहाँ पर जरा कन्वर्जिंग के लिए, ठीक है, लेंस बना दिया हमने, हमें पता है यहाँ पर रेज किस तरीके से जाती हैं, जैसे मान लो इस तरीके से ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, तो ये कन्वर्ज कर देगा, इनको कन्वर्ज कैसे करेगा, देखो ये जैसे ये पॉइंट है आपको पता है इसके फोकस पे मीट कर देता है सभी को, ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होगा यहाँ पर इसको फोकस्ड कर देगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ये तो सब पता है आपको, ठीक है। अब देखो वेव फ्रंट्स की बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है, देखो वेव फ्रंट आपको पता है इन रेज, ये रेज उन वेव फ्रंट के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होती हैं हमेशा, ठीक है, और यहाँ प्लेन वेव फ्रंट बनाओ, प्लेन वेव फ्रंट कैसे आएंगे, इस तरीके से आएंगे प्लेन वेव फ्रंट, ये जैसे ये बनाया था हमने, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ ये आ रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट, समझ पा रहे हो आप बात को या नहीं, ठीक है, ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। अब क्या होगा जब लेंस में से निकलेंगे ये तो कैसे बन जाएंगे, देखो ये कन्वर्ज हो रहा है यहाँ पर एक तरह से, अब इसको आप पॉइंट सोर्स मानो, पॉइंट सोर्स पे कैसे बनते हैं वेव फ्रंट, सर्कल इसकी तरफ बनते हैं, ठीक है, तो ये कैसे बन जाएंगे देखो जरा यहाँ पर बताओ, इस तरीके से ऐसे, क्योंकि यहाँ पर ये सर्कल बनाएंगे इसके, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपके पास, ये वेव फ्रंट इस तरीके से क्या हो गए, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट इस तरीके से बनते हैं, प्लेन वेव फ्रंट आ रहे थे, लेंस ने क्या किया इनको इस शेप में बना दिया। क्या समझ पा रहे हो या नहीं, ऐसी ही शेप क्यों बनाई है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या लगेगा आपको, पॉइंट सोर्स लगेगा, रेज आ रही है सारी यहाँ कन्वर्ज होगी तो ये पॉइंट सोर्स बन गया, तो इस पर आपको पता ही है वेव फ्रंट कैसे बनते हैं, पूरे सर्कल बनाता तो ऐसे बन जाते पूरे के पूरे सर्कल। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। सिमिलरली हम डाइवर्जिंग वेव फ्रंट को भी बना सकते हैं, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, यानी कि हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी,
डाइवर्जिंग लेंस की, वो कौन सा होता है आपके पास? कनकेव लेंस होता है। ये कनकेव लेंस बना दिया हमने, इसमें भी रेज जैसे मान लो ये पैरेलल जा रही हैं आपके पास, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें इसमें ये पैरेलल जा रही हैं, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिंपल हम रेज बना देंगे, ठीक है। ये पैरेलल रेज जा रही हैं तो आपको पता है किस तरीके से डाइवर्ज होंगी, क्योंकि तो डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्ज करेगा, तो डाइवर्ज कैसे होती हैं इस तरीके से, ये हो गई आपके पास इस तरीके से इधर, ठीक है। अब देखो ये चलती किस तरीके से हैं, ये बैक टू मीट हो जाती हैं, आपको पता होगा इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे मान लो ये सबको मैं यहाँ पर बैक टू मीट करा देता हूँ पहले इस तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो। और ये यहाँ से अब हम इनको बना सकते हैं ऐसे डाइवर्जिंग, ठीक है, इधर से भी इसको हम इस तरीके से डाइवर्जिंग बना सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ये सब चीज़ें या नहीं, ठीक है। इधर से ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब आप इस चीज़ को समझना कि इसका जो पॉइंट सोर्स बन रहा है वो इस साइड बन रहा है, फोकस जैसे बैक टू मीट होती हैं ये वाली, ठीक है ना। वैसे तो इधर से डाइवर्ज हो रही हैं, लेकिन अगर हम देखें सारी रेज मिलती कहाँ पर है, फोकस पे, तो इधर ये इसका फोकस बन रहा है, मतलब पॉइंट सोर्स इसका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बनेगा तो किस तरीके से वेव फ्रंट बनेंगे यहाँ पर इस साइड, देखो पॉइंट सोर्स यहाँ हो गया अगर आपके पास, तो किस तरीके से बन जाएंगे, देखो इसकी तरफ सर्कल घूमेंगे, है ना, तो यहाँ से ये इसकी तरफ सर्कल घूमने स्टार्ट हो जाएंगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ पा रहे हो। तो ये वेव फ्रंट बन गए यहाँ पर, क्लियर है। तो ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट इस तरीके से बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये फोकस्ड हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इनकी तरफ ही बनेंगे ये वेव फ्रंट, सर्कल इधर पॉइंट सोर्स की तरफ ही बनते हैं, जैसे यहाँ पॉइंट सोर्स ये बना था तो यहाँ पर बन गए थे ये सर्कल, तो यहाँ पर भी हमने ये इस तरीके से दिखा दिया। तो ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट इस तरीके से होते हैं और कन्वर्जिंग वेव फ्रंट इस तरीके से होते हैं, बताओ समझ में आया या नहीं। तो ये कहानी क्लियर हो जानी चाहिए वेव फ्रंट्स की, बड़ी सिंपल सी है, कोई इतनी मुश्किल वाली कहानी है नहीं है, ठीक है। चलो इससे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना, हाइजेंस प्रिंसिपल, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।